आज वो लड़की अपनी लाइफ में खुश है दी। और मेरे भैया, मेरे भैया आज भी उसकी याद में तड़पते हैं, रोते हैं, दिन रात गिल्ट में जी रहे हैं। वो दी भैया आज भी खुद को माफ नहीं कर पाए। वो आज भी उस लड़की को बहुत प्यार करते हैं। ये बात हमारा पूरा परिवार जानता है, बापूजी भी जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तन्नु को राहुल भैया की जिंदगी से दूर तो कर दिया, लेकिन तन्नु को राहुल भैया के दिल से नहीं निकाल पाए और ना ही कभी निकाल पाएंगे। हम सब जानते कि अब राहुल भैया कभी शादी नहीं करेंगे, कभी किसी और से प्यार नहीं करने वाले। वो सारी जिंदगी तनु की सिर्फ एक फोटो को अपने सीने से लिपटा के अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही निकालने वाले। मुझे ब्लैंकोस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सिंगल नहीं हूं। मेरी स्वीटहार्ट यहां इस वक्त मेरे साथ है और मेरे सीने से लिपटी हुई है। मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूं। जितना प्यार राहुल भैया ने अपनी तन्नू से किया है, उतना कोई किसी से नहीं कर सकता। आपको यकीन नहीं आता ना, रुकिए। ये लीजिए दी, दरवाजा खुला है, जाके देख लीजिए। मेरे राहुल भैया को जज करने से पहले एक बार अपनी आंखों से उनकी हालत देख लीजिए। जाइए, जाके उनके रूम में देखिए, हाथ में ग्लास लिए शराब के नशे में धुत। मिलेंगे आपको मेरे भैया। तनु की एक फोटो को अपने सीने से लगा के रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। तनु की याद में अपनी पूरी जिंदगी ऐसी बिता देने वाले हैं। गो सी फॉर योरसेल्फ। के परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप?
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी